दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हो कि निफ्टी जैसे कि 57 पॉइंट डाउन हो चुका है। कल जो मैंने ब्रेकआउट के बात किया था तो मैंने कहा था कि इसका कंफर्मेशन आया नहीं और इसका जो ब्रेकआउट का कंफर्मेशन आज आना था, यानी कल जो ब्रेकआउट हुआ था निफ्टी का, वो यहाँ पे फेल हो गया है। अभी नेक्स्ट निफ्टी का क्या मूवमेंट हो सकता है और निफ्टी कहाँ जा सकता है, ऊपर या नीचे, तो आज के वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो आप वीडियो आखिर तक देखते रहो। हाय फ्रेंड्स, मैं दीपक बोल रहा हूँ और स्टॉक ब्रोकर चैनल में आपका स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है मार्केट डिल्यू। मार्केट डिल्यू में हम लोग देखेंगे कि 20 जनवरी को मार्केट कैसे रहेगा, निफ्टी बैंक निफ्टी और जिन स्टॉक में मुझे लग रहा है कि इंटरनेट में कुछ मोमेंटम रहेगा, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं यहाँ पे निफ्टी से। तो हमने निफ्टी को कल कैसा जो है कि रीड किया था और आज मार्केट कैसे चला। तो पहले मैं बात कहूँ कि जैसा मैं नॉर्मली कहता हूँ, जब भी एक्सपायरी रहेगा तो मोस्टली डोजी कैंडल आता है, तो वैसे ही मार्केट चला जैसा कि एक्सपायरी भी चलता है। लेकिन हमको एक उम्मीद था कि मार्केट ने ये ब्रेकआउट किया तो एक कंफर्मेशन देना चाहिए। और जैसे मैंने कहा कि ये लेवल जो मार्केट ने ब्रेक किया 18134, अगर ये ब्रेकआउट किया है और ये मार्केट इसके ऊपर ही रहता है तो क्या होगा, आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा, मार्केट जल्दी ऊपर जा सकता है। लेकिन क्वेश्चन है कि अभी मार्केट नीचे आएगा क्या नहीं, वो है। उसके पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे मैंने आपको कहा था कि एक्सपायरी 18,000 और 18,300 के बीच में होगा, तो ये बिल्कुल हो गया। तो इसके लिए ज्यादा से ज्यादा लाइक भी दे दो और मैंने ऑप्शन चेन भी एनालिसिस आपके लिए किया था, तो आपको ये वीडियो भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। दोस्तों जब भी कोई ब्रेकआउट फेल होता है तो क्या होता है, मार्केट इमीडिएटली नीचे आ जाता है। तो ऐसे नहीं है, अगर आप देखोगे तो और भी एक सपोर्ट है नीचे 18048 और 18,000 भी एक मार्केट को बहुत अच्छा सपोर्ट है। जब भी नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो एक ट्रेंड लाइन भी ऊपर से आ रहा है। अगर मार्केट ये जोन में जहां पे अभी मार्केट है यहाँ पे थोड़ा सा और भी वेट करके उसके बाद अगर ये लेवल ब्रेक करता है, ये ट्रेंड लाइन हो गया, या जो कि आगे नेक्स्ट जो लेवल है 18183 ये लेवल या ट्रेंड लाइन भी ब्रेक करता है, तो हमको एक अपॉर्चुनिटी मिल सकता है नेक्स्ट ब्रेकआउट का। ये ब्रेकआउट नहीं हो सकता हम लोग कभी समझेंगे तो अगर 18,000 के नीचे अगर मार्केट जाता है, क्योंकि 18,000 जो है कि बहुत ही अच्छा एक सपोर्ट यहाँ पे है। 18,000 के नीचे मार्केट जाता है और उसके बाद भी जो नीचे वाला लेवल 17,776 ये भी ब्रेक होता है तो ये डाउन ट्रेंड होगा। लेकिन यहाँ पे इमीडिएटली 18,000 के नीचे अगर मार्केट जाता है तो ब्रेकआउट होने का चांसेस यहाँ पे कम हो सकता है। लेकिन अगर मार्केट ये लेवल के ऊपर आसपास यहाँ पे होल्ड करता है, 18,000 के नीचे नहीं जाता है और उसके बाद ये लेवल ब्रेक करता है, तो यहाँ पे हमको ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। आज जैसे कि एक्सपायरी था तो एक्सपायरी भी क्या होता है, बहुत सारे पोजिशन होते हैं तो मोस्टली ये जो है कि डोजी कैंडल ही बनता है। लेकिन कल भी हमको एक उम्मीद हो सकता है कि ए लेवल ब्रेक होता है, ट्रेंड लाइन विद ऊपर वाला लेवल ये दोनों भी ब्रेकआउट होता है, तो आपको एक और चांस है कि मार्केट अप ट्रेंड में जा सकता है। डाउन ट्रेंड 18,000 या 18048 ये लेवल भी एक थोड़ा इम्पोर्टेंस है, तो ये लेवल के करीब मार्केट को देख लेना। बाकी हम देखेंगे कि 5 मिनट्स में कि हमको कल के लिए यानी कि फ्राइडे के लिए क्या मोमेंटम हो सकता है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि मार्केट जैसे कि थोड़ा सा गैप डाउन खुला, उसके बाद ट्राई किया कवर होने का, लेकिन पूरे दिन एक ही रेंज पे यहाँ पे मार्केट फंसा रहा। कल हमको बाइंग के लिए देखना है, अगर बाइंग के लिए 18134 इम्पोर्टेंस लेवल है उसके ऊपर हम लोग बाइंग के लिए देखेंगे, और सेलिंग के लिए 18072 ये जो हम लोग 5 मिनट्स का लेवल है थोड़ा नीचे का है, तो इस लेवल के ऊपर हम लोग देखेंगे सेलिंग के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे बैंक निफ्टी। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एक पूरा रेंज भी है, कल भी ये रेंज में था, आज भी रेंज में है, और अब देखोगे तो बैंक निफ्टी कल का जो कैंडल है उसके रेंज में है। यानी आज के मार्केट में अगर हम लोग देखेंगे तो ज्यादा मोमेंटम नहीं हुआ, और जैसे कि एक्सपायरी में होता है थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, लेकिन ज्यादा वॉलेटिलिटी भी नहीं था, एकदम साइडवेज मार्केट था। यहाँ पे हमको पहले वाले लेवल से चलेंगे बैंक निफ्टी में 42681 के ऊपर ही एक मोमेंटम आएगा, तब तक तो हमको थोड़ा सा जैसे कि कहते हैं ना कि कम क्वांटिटी में ट्रेड करना चाहिए, ऐसा मार्केट मिलेगा, ज्यादा यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना जब तक तो मार्केट कंफर्मेशन नहीं देता। नीचे नजदीक वाला सपोर्ट जो है कि 41883 है, तो ये कल के ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस चलेंगे क्योंकि मार्केट ने परफॉर्म ही नहीं किया है, तो इसको ही कंटिन्यू करेंगे। और हमारा जो व्यू है हम लोग रखेंगे यहाँ पे साइडवेज व्यू, और अगर हम लोग इंट्राडे में देख रहे हैं तो 5 मिनट के चार्ट के ऊपर देखेंगे। यहाँ पे मैं जूम करता हूँ, 5 मिनट के चार्ट में देखेंगे तो देखिए अपना जो एक लेवल था डेली का बिल्कुल उसको आसपास आसपास ही घूम रहा है, यानी
लेवल को भी मार्केट ने यहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं किया। कल हम अगर इसमें सेल करते हैं 42,200 यहाँ पे जो लेवल है इसके नीचे जाता तो हम लोग सेल करेंगे। बाइंग के लिए 42,556 ये ऊपर वाला लेवल है उसके ऊपर ही हम लोग बाय कर सकते हैं। अगर इन बिटवीन मार्केट है तो हम लोग उसको छोड़ सकते हैं, क्योंकि आज देखा आपने कि मार्केट ने कुछ परफॉर्म ही नहीं किया है। तो दोस्तों जैसे कि मार्केट इतना साइडवेज था तो हमने कुछ इंट्राडे के कॉल दिए थे, जैसे कि LNT अगर आप देखोगे तो यहाँ पे परफॉर्म नहीं किया, मार्जिनली ऊपर गया। और दूसरा जो कि हिंडाल्को मैंने दिया था तो हिंडाल्को एक्टिवेट भी नहीं हुआ, यानी अपने बाइंग लेवल के ऊपर भी नहीं गया। तो ऐसे मार्केट रहेगा तो परफॉर्मेंस भी ज्यादा नहीं होता है। तो यहाँ पे कल भी अगर मार्केट साइडवेज है तो मैं जिस स्टॉक के बारे में आपको ट्रेड देता हूँ तो कम क्वांटिटी में ट्रेड कीजिए। पहला जो है कि UPL, यहाँ पे मैं UPL कल जो है कि इंट्राडे के लिए क्यों ये कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो W पैटर्न का एक ब्रेकआउट हुआ है, बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट हुआ है। 748 के ऊपर हम लोग इसको बाय कर सकते हैं, 762 का टारगेट आ सकता है अपना। टाटा स्टील, तो टाटा स्टील के बारे में मैंने वीकली में भी आपको ये लेवल दिया था और अच्छा वर्क कर रहा है, आज इसने अच्छा एक ब्रेकआउट दिया है। 124 के ऊपर हम लोग कल इसमें बाइंग कर सकते हैं, 128 का इसमें टारगेट आ सकता है। तो दोस्तों जिन स्टॉक के बारे में मैंने आपको बताया ये मेरे टेक्निकल व्यूज है, ऐसा कुछ भी नहीं कि कल ये स्टॉक ऐसे चलने चाहिए। इसमें आपको ट्रेड करना है तो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर का सलाह लेकर आप इसमें ट्रेड कीजिए। और दोस्तों आपको ऐसे टेक्निकल से सीखना है मेरे साथ तो दिए गए नंबर के ऊपर आप मुझे कॉल कीजिए और पूरी जानकारी पाइए। दोस्तों यहाँ तक ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और अपने कमेंट भी दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।